क्या आपका पेट भी अलग से ही मोटा और फैला हुआ दिखाई पड़ता है? क्या आपको मोटे हो गए पेट के कारण दौड़ने चलने इत्यादि में दिक्कत होती है? क्या आप वापस शेप में आना चाहते हैं लेकिन कोई घरेलू तरीका ढूंढ रहे हैं जो बिना साइड इफेक्ट का? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए ही है। पेट का बढ़ जाना या कहें कि फैल जाना के पीछे आपकी डाइट, लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स और हेल्थ की कंडीशंस जैसे कई कारण हो सकते हैं। आइए इन कारणों को डिटेल में समझते हैं। ज्यादा खाना यानी ओवर ईटिंग, ऐसा खाना जो हेल्दी नहीं हो, लिक्विड कैलोरीज, कम एक्सरसाइज करना, स्ट्रेस, मेनोपॉज, महिलाओं को मेनोपॉज के दौरान हार्मोनल चेंजेस फेस करने पड़ते हैं जो स्टमक फैट को बढ़ाने का कारण बन सकते हैं, पाचन की समस्याएं, ब्लोटिंग, कभी कभी आपका पेट खाना खाने के बाद या किसी स्पेसिफिक फूड की वजह से फूला हुआ महसूस होता है, ये ब्लोटिंग होता है जो टेम्परेरीली स्टमक का साइज बढ़ा सकता है, कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन, हेल्थ कंडीशंस यानी स्वास्थ्य समस्याएं, एसिसाइट्स, ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें पेट में पानी जमता है, ये लिवर या कैंसर के इश्यूज की वजह से हो सकता है, डायस्टेसिस रेक्टी, ये ऐसी कंडीशन है जब आपके पेट के मसल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं जो पेट का शेप और साइज बदल सकते हैं, ये ज्यादातर प्रेगनेंसी या मोटापे के दौरान होता है, उम्र बढ़ने पर मेटाबॉलिज्म यानी कि खाने से ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया धीरे धीरे कम होती है, बड़ा हुआ पेट आपको डायबिटीज, हाई बीपी, दिल के रोग, जॉइंट प्रॉब्लम्स, लिवर की समस्या, नींद में कमी इत्यादि प्रॉब्लम्स दे सकता है, इसलिए अपने बढ़े हुए पेट को वापस शेप में ले आने में ही समझदारी है जिससे आप यंग कॉन्फिडेंट भी महसूस करते हैं। आइए इसी विषय पर प्रसिद्ध हकीम सुलेमान जी को सुनते हैं। जितना खाना वो खाते हैं, जैसे चार रोटी खाते हैं तो दो रोटी खानी है एक वक्त में, एक तो ये परहेज, और अपने जो सब्जी सालन बनता है उसमें अदरक, लहसुन और जीरा ज़्यादा इस्तेमाल करें, जितना इस्तेमाल करते थे उससे दुगना तिगना इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक इलाज है। एक दिन में 5 बार गर्म पानी पिएं, 5 बार या उससे भी ज़्यादा, और एक दिन में 1 घंटा पैदल चलें, ये तो आपका एक इलाज हो गया। एक और इलाज बता रहा हूँ, कभी आपको कम फायदा हो तो आप कहें कैसा नुस्खा बताया, आधा चम्मच जीरा लीजिए और 1 चम्मच धनिया, और एक चुटकी में जितना खाने का सोडा आता है ये चुटकी है इसमें मिलाइए, और 1 चुटकी में जितनी अजवाइन आती है ये इसमें मिलाइए, और इसको 1.5-2 गिलास पानी में उबालिए, आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, 1 चुटकी खाने का सोडा, 1 चुटकी ये आपका अजवाइन, इसे उबालिए और ये पानी गरम गरम पीजिए जब ये आधा रह जाए, और इसको जो मटेरियल बचा है इसे फेंकिए नहीं, यही मटेरियल रात को भी उबाल के पीना है। 1 महीने में तकरीबन 3 से 5 किलो वज़न कम होना मुमकिन है, ऐसा मेरा तजर्बा है।